सर ये जो प्रोफेसर है ये सेटअप द्वापर में भी था और त्रेता में भी था। उस समय भी महर्षि और ब्रह्मर्षि और जैसे आपके यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर और प्रोफेसर और एचओडी होते हैं, वैसा उस समय भी था। वो परंपरा थी, हमारी शाश्वत परंपरा है। आज जितने गुरुजी हैं आप उनको प्रणाम करें। मैं मानता हूं कि गांव में गुरुजी आज जात्रे गिरी जला कर आते तो अब वो मैं कत्ता सम्मान कर ही बताओ, वो दिक्कत है थोड़ा सा। ये बात को मैं मानता हूँ, गुरुजी मतलब ये पर मान में सम्मान रखना चाहिए। और जमाना बदल गया, भाई ने फेसबुक की बात की, व्हाट्सएप की बात की, आजकल तो दुमंजिला मकान देखे तो नीचे से ना पत्नी व्हाट्सएप करते हैं, खाबे का ऊपर से फिर जवाब आते, का साग रांधे है आलू भाटा, ही खाओ ही खा ले साले। प्रेम का नजरिया बदल गया है आजकल, जब से ये मतलब ये कभी बच्चियां हैं लड़कियां हैं, जब कल भगवान इनको अच्छी जॉब दे देगा, अच्छी नौकरी दे देगा, अच्छा इनका विवाह हो जाएगा। लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है पति से बात करने का, बाबू ने खाना खाया, अरे किससे बात कर रही समझ के लिए, अपने पति से बोलती है बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया भैया कौन भी तो खाऊं खाऊं, मेरा बाबू मेरा बेबी मेरा गुरु गुरु गुरु। क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ बदल गया, देखिए हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत का नाम लेने से जितने प्रोफेसर लोगों के चेहरे में चमक आई है उसको प्रणाम करता हूं। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। दिक्कत है कैसा करोगे। आज इस मंच में, इस प्रांगण में, इस सभा कक्ष में दो मातृशक्तियां बैठी हैं, सामने में माता जी बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दुनिया में दो रिश्ते बहुत कठिन होते हैं, एक होती है माँ और एक होती है बेटी। बेटी जिंदगी के कितने किरदार को जीती है, वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। बेटी से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, फली फूली टहनियां। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं यशस्वी पिता हूं, मेरी यशस्वी पुत्री जिला महिला बाल विकास अधिकारी है बिलासपुर में, इसलिए 4 पंक्तियां वहां करती हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों की तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती, बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है ये बेटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे बार में भर के आए हैं, रात को 11 बजे नींबू अदरक लाना होता है तो बेटे लाते हैं, बेटी नहीं लाते हैं, बेटों का भी रोल है। माँ क्या होती है, दुनिया में एक रिश्ता है। आज की शाम सुन ले राजपूत ट्यूटोरियल, आज की रात ये बढ़िया बात आपके सामने रखता हूं, सिर्फ एक रिश्ता है दुनिया में, एक रिश्ता माँ, जो बच्चे को मार के खिलाती है। भगवान तक को माँ ने मारा है खाने के लिए, भगवान कृष्ण को यशोदा माँ ने मार मार के खिलाया है, सिर्फ माँ मारती है, पत्नी नहीं मारे। वो टेबल में मढ़ाते थे कोटना में तो मन करे जानी ब्लैक मुंह कर, सिर्फ माँ है जो बच्चे को मार के खिलाती है। खबर नहीं खा रहा दगा मुठका मारी की मठी फट से मारी, सिर्फ माँ है जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है, और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की गुड़िया तो नहीं। ये मां, ये मां, मां से बढ़िया कोई ताकत नहीं होती भाई।
सबसे बड़ी शक्ति माँ है, माँ है तो आप हैं। अगर आपने कुछ पाया तो माँ, कभी आप सड़क में जा रहे अचानक आपको कांटा लग गया, ए माँ, ऐसा बोले, आज तक उन्होंने बोले हे साथ, हे सानू, अगर बाइक कहाँ है सानू, हे साथ बोले को माइक में बोली, बोले तो कौन बोले कर्जन, लग गया बेबी डार्लिंग, इसे कौन बोल सक, दाई की लोग बोलते ये माँ इसे की, हाँ पर जानते दुख में माँ काम आती, दुख में माँ काम आते, अगर पास हो गए तो सबसे पहले माँ को बताएंगे, राजदूत ट्यूटोरियल से आप सेलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेंगे, सबसे पहले आप माँ को बताएंगे, माँ वो कलेक्शन हो गए मैं डिप्टी कलेक्टर बन गए, माँ को बताएंगे। आदमी जीतता है हारता है माँ को बतलाता है। जब मैं पहली बार उनको 2010 में पद्मश्री मिली तब मेरे अंदर बहुत दर्द हुआ, मेरी माँ और पिताजी दोनों इस दुनिया में नहीं थे, मुझे लगा मैं किससे बताऊं, तब मैंने 8 पंक्तियां कही कि आज दुनिया की तमाम दौलत शोहरत यश नाम माँ तेरे बेटे को छू कर जाती है, पर किसे बताऊं, माँ तेरी बहुत याद आती है।